मामला बुलंदशहर जिले के विभिन्न कस्बों व क्षेत्रों का है, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशन में ACMO सुनील कुमार ने झोला छाप व अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होम पर कार्यवाही करते हुए सीलिंग की कार्यवाही की है। जिस प्रकार से बुलंदशहर जिले में अवैध नर्सिंग होम, क्लिनिक व पैथोलॉजी लैब्स चल रही हैं, उससे प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग इन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए है। सीलिंग के बाद ये सफ़ेद पोस स्वास्थ्य विभाग से साठ गांठ कर कुछ दिन में अपने नर्सिंग होम, क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब्स को खोल लेते हैं और बगैर किसी डर व दबाव के अपना कार्य सुचारू रूप से चलाते हैं। अब देखना है कि सीलिंग के कितने दिन बाद स्वास्थ्य विभाग अपनी कृपा दृष्टि इन सील लगे अस्पतालों पर करता है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्यवाही करते हुए बिना पंजीकरण के चल रहे 9 अस्पतालों को सील किया है। सर जी, ग्रामीण क्षेत्र और कस्बे में झोला छाप डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, इनके इलाज से पब्लिक मर रही है, इन पर अब तक क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, शिकायतें मिलती रहती हैं, एक तहसील को एक दिन के हिसाब से लेकर के वहाँ जो भी झोला छाप की शिकायतें हैं या हमें जो दिखाई देता है कि ये रजिस्टर्ड नहीं है, उसकी जांच करते हैं और नोटिस देते हैं। अगर कोई कार्रवाई करने की बनती है तो कार्रवाई भी कराई जाती है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।